आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube की चैनल की जो कैटेगरी है वो चेंज कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ओपन करके रखा हुआ है। इसी तरह से आपको YouTube स्टूडियो को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये जो तीसरा ऑप्शन है अपलोड डिफॉल्ट करके, इसके ऊपर आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग्स करके ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। अगर आपकी नई चैनल है तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी एक चैनल की जो आपकी कैटेगरी होगी उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपकी ऑलरेडी चैनल की कैटेगरी आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपकी चैनल की कैटेगरी होगी उसको यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझे चेंज करना है, तो मैं कोई भी यहाँ से एक सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं सेव कर दूँगा तो वो जो नया कैटेगरी होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से आप चैनल की कैटेगरी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता, इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको वीडियो बना के बता दूँ। क्योंकि जो सेटिंग है वो यहाँ पर आपको सेटिंग्स के अंदर जाके अपलोड डिफॉल्ट पर जाके उसके बाद यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पर ये यह ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि ऑप्शन कहाँ पर है, तो इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन जो है यहाँ पर है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा वीडियो था और इससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको कल एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।